हेलो स्टूडेंट, आई एम नरेंद्र कुमावत एंड टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्शन की वजह से आई में कौन कौन सी एरर्स आती है, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मायोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया है ना, पास का नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, रिफ्रैक्टिव एरर्स होती है। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि अपना जो आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, और कॉन्वेक्स लेंस और नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर्स आती है इमेज फॉर्मेशन में, जो क्लियर इमेज नहीं हो पाता है, इस टाइप के एरर्स को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है ना। सो जितनी भी एरर्स होगी वो रिफ्रैक्शन से होगी, है ना। इमेट्रोपिया मैंने बताया था आपको, ऐसी आई जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें रिफ्रैक्शन प्रॉपर हो, है ना। इमेट्रोपिया मतलब ऐसा रिफ्रैक्शन क्या हो, प्रॉपर हो, ऐसी आई को अपन क्या बोलते हैं, इमेट्रोपिया बोलते हैं। और मैंने बताया था कि इसके अंदर जो कॉर्निया होता है उसका जो पावर होता है वो 43 डायप्टर होता है, और जो लेंस होता है उसकी पावर कितनी होती है, 18 डायप्टर अगर होए, और जो प्रॉपर साइज़ है कि जो आईबॉल है उसका जो साइज़ है ना, वो कितना है, 24 to 25 मिलीमीटर के बीच में है। इसका मतलब वो आई क्या है, परफेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी एरर्स नहीं है। चलिए अपन बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आती है, सपोज़ आई बॉल का इलोंगेट हो जाना, बढ़ जाना, आई बॉल छोटी हो जाना, आई बॉल बढ़ जाना, है ना। इस वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो कौन कौन सी एरर्स होती है ना। तो इन एरर को अपन रिफ्रैक्टिव एरर बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर में अपने पास जो सबसे पहली एरर से है, ठीक है, वो है अमेट्रोपिया। अमेट्रोपिया क्या होती है, तो ये एक टाइप की रिफ्रैक्टिव एरर होती है कि जो आई में प्रेजेंट होती है, जिसको अपन अमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। सो द एरर प्रेजेंट ना, द रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट इन दी आई, दैट इज नोन एज अमेट्रोपिया, ठीक। नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, मायोपिया होती है। मायोपिया ये भी एक रिफ्रैक्टिव एरर है। इसमें क्या होता है कि इसका जो एक और नाम होता है वो नियर साइटेडनेस होता है। नियर साइटेडनेस मतलब आपको लग रहा है कि नियर मिस पास में, साइटेडनेस मतलब विजन जो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन साइटेडनेस, ठीक है ना। साइट मतलब देखना होता है एक तरह से देखा जाए तो। सो मायोपिया में नाम इसका नियर है, इसका मतलब ये होता है कि जो नाम होता है वो तो होता है, ठीक। तो समझना इसको थोड़ा सा, इसमें कन्फ्यूजन होता है, है ना, हाइपरमेट्रोपिया और जो मायोपिया है इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को। एक में नियर होता है, एक को फार बोलते हैं। इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो तो हो रहा है, उसका अपोजिट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा ये हो रहा है कि मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब जो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया होती है, उसको पास का तो दिखाई देता है लेकिन उसको दूर का दिखाई नहीं देता है। तो हमें क्या देखना है, जो लिखा हुआ है वो होता है, मतलब ये कि लिखा हुआ नियर मतलब पास का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। जैसे हाइपरमेट्रोपिया जो है उसमें क्या होता है, फार साइटेडनेस उसको बोलते हैं, मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है ना। तो एक दूसरे के अपोजिट नेम से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या समझेंगे इसको अपन, नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। फार साइटेडनेस में क्या हो जाएगा, दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। नया नाम क्या है इसका, मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। एक और नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, हाइपेरोपिया। हाइपेरोपिया मतलब हाइपर मेट्रोपिया को हाइपेरोपिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव एरर क्या होती है, प्रेसबायोपिया, है ना। प्रेसबायोपिया किस वजह से होती है, लॉस ऑफ अकोमोडेटिविटी एबिलिटी, मतलब हमारे जो आई लेंस होता है उसकी अकोमोडेशन पावर। मैंने बताया था कि आई की वह पावर जिसकी वजह से उसके सामने कहीं पर भी बॉडी रखी हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, वो उसका इमेज कहाँ पर बनाएगी, रेटिना पर ही बनाएगी। लेकिन हम जब लेंस को पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पर इमेज की लोकेशन अलग अलग होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इमेज कहीं और बनता है, ऑप्टिकल सेंटर के बाद में फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज कहीं और बनता है, कर्वेचर से बाद में रखा है तो इमेज और कहीं दिखता है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो इमेज कहीं और बनता है। लेकिन हमारा आई की एक यही पावर है कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा, चाहे हम स्टार को देख रहे हो या फिर हमारे पास में जस्ट मोबाइल रखा था हम उसको देख रहे हो, दोनों का इमेज क्या बनेगा, हमारे रेटिना पर बनेगा। तो आई की वह क्वालिटी, वह एबिलिटी जिसकी वजह से कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे वो इन्फिनिटी पे रखा हो, चाहे वो बिल्कुल आई के 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं इसको, 25 सेंटीमीटर पर रखा हो, तब भी वो इमेज कहाँ बनाती है, रेटिना पर ही बनाती है। तो ये भी एक नया टॉपिक पता चला आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, मतलब हम कम से कम कितने डिस्टेंस पर क्लियर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अपन ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं, अगर अपनी आँख स्वस्थ है तो, है ना।
तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारी जो अकोमोडेटिविटी है, जो आँख की जो अकोमोडेशन पावर होती है, वो एबिलिटी कम हो जाती है। मतलब हमारा जो इमेज है, चाहे वो दूर हो या पास वाला इमेज जो रेटिना पे बन रहा है, वो रेटिना पे नहीं बन पाता है। ये एबिलिटी, रेटिना पे बनाने की जो एबिलिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसी प्रॉब्लम को बोलते हैं अपन प्रेस बायोपिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लॉस ऑफ अकोमोडेटिविटी एबिलिटी ऑफ द लेंस रिजल्टिंग इन द डिफिकल्टी विद द नियर टास्क। तो इस अकोमोडेशन पावर के कम हो जाने से हमें पास की चीज़ें जो होती है वो थोड़ी दिखना कम हो जाती है, धुंधली दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में एस्टिगमेटिज्म है ना। एस्टिगमेटिज्म क्या होता है? एस्टिगमेटिज्म में जो आपका कॉर्निया होता है ना, उसका जो कर्वेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, एलोंगेट हो जाता है। ठीक है, सो द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड या पे बोल सकते हैं कि जो लेंस होता है अपना है ना, इज़ नॉट स्फेरिकल। वो स्फेरिकल ना होकर क्या हो जाता है, थोड़ा सा पैराबोलिक शेप में आ जाता है। मतलब मैं कहूँ आपसे कि हमारा जो कॉर्निया होता है, जो लेंस होता है, वो ऐसा होता है, हमारे आईएससी होती है, ऐसा होता है। ठीक है, आगे से स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल पार्ट होता है। तो स्फेरिकल नहीं होके क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा आगे से, तीखा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अपन एस्टिगमेटिज्म। ठीक है ना, सो द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस इज़ नॉट स्फेरिकल, मतलब वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं रहा है, एंड देयर फोर कॉजेज इमेज ब्लर ऑन दी रेटिना। इसी वजह से रेटिना पर इमेज जो है ब्लर दिखता है, धुंधला दिखाई देता है, मतलब आपको दिखना कम होता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म। तो देखो अपनों ने कौन कौन से पढ़े हैं ना, अमेट्रोपिया पढ़ा है, मायोपिया पढ़ा है, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा है, प्रेस बायोपिया पढ़ा है, और एस्टिगमेटिज्म पढ़ा है। ठीक है, तो अमेट्रोपिया क्या होता है? आई में अगर कोई भी रेफ्रेक्टिव एरर है उसको बोलते हैं अमेट्रोपिया। कोई भी एरर है मतलब अमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, उसे कोई भी एरर हो सकती है, नीचे वाली में से किसी में भी कोई सी एरर है। मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है। प्रेस बायोपिया किस वजह से? अकोमोडेटिव खत्म हो चुकी है, आंखों की जो अकोमोडेशन पावर है रेटिना पे इमेज बनाने की, जो क्वालिटी वो क्या होगी, थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से उसे पास की चीज़ें दिखना कम हो गई है। एस्टिगमेटिज्म मतलब हमारा जो कॉर्निया है या लेंस का जो पार्ट है, वो थोड़ा सा पैराबोलिक हो गया है, मतलब आगे से स्फेरिकल नहीं रहा है, थोड़ा सा तीखा हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, उस वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पा रहा है, ब्लर बन रहा है। ठीक है, अब अपने पास में है नेक्स्ट, मायोपिया को अपन समझते हैं पूरा क्या होता है ना, और इसका करेक्शन कैसे होता है। तो हम देखते हैं आई पर जो भी रेस पैरेलल आती है, आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस पे जो भी रेस पैरेलल आती है वो कहाँ पे मिलती है? फोकस पे मिलती है। ध्यान से समझना, मैं कॉन्वेक्स लेंस को समझाऊंगा ताकि आपको आई का फंक्शन समझ में आ जाए। ये अपने पास में कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर जब भी कोई पैरेलल रेस डालोगे, ये रेस जहाँ पर भी क्रॉस करती है उसको बोलते हैं अपन फोकस, सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको। इसका मतलब हमारा आई का जो शेप होता है वो इस टाइप से होता है कि हमारा रेटिना जो होता है वो कहाँ पर होता है, उसका फोविया जो होता है ना, वो कहाँ होता है? फोकस पे होता है। इसलिए सारे इमेजेस कहाँ बनते हैं? उस फोकस पे बनते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो आई है, ठीक है, वो क्या होगी, उसका फोकस से थोड़ी सी इलोंगेट हो गई, मतलब आई का जो शेप था वो इतना नहीं रह के या तो पीछे की तरफ से बढ़ गया है। पीछे की तरफ से बढ़ गया तो क्या हुआ होगा, इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे इमेज नहीं बन के इमेज आपका ऐसे आ रहा है। तो देखो क्लियर इमेज तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि रेटिना भी इमेज बनेगा, बीच में तो बनेगा नहीं, तो इमेज रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो गया। तो जब इमेज रेटिना से पहले बनना शुरू हो गया है यहाँ पर, तो आपको ब्लर दिखेगा, मतलब आपको परफेक्ट यहाँ पे दिखना था, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे तो ब्लर दिखेगा फिर आपको। ठीक है, तो यही एक वजह है जिस वजह से मायोपिया होता है। तो मायोपिया किस वजह से होता है? इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल बढ़ गई है पीछे की तरफ। तो अ फॉर्म ऑफ रेफ्रेक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द आई आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ध्यान से सुनना, पहली प्रॉब्लम मायोपिया, रेटिना के पहले इमेज बना रही है तो मायोपिया। ध्यान से समझना, रेटिना के पहले इमेज बना रही है तो मायोपिया। अब सुनो और समझो कि हम यहाँ पे करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। तो आप अंदर इतना दिमाग तो है कि मैंने जब लेंस पढ़ाया था तो लेंस कौन सा है अपने पास में? कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। ध्यान से देखना, कन्वर्जिंग है, हमारा रेटिना यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर ही बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इमेज यहाँ पर नहीं बन के यहाँ पर बने अगर, तो आप क्या करोगे? तो आप चाहेंगे कि ये जो रेज आ रही है ये थोड़ी सी ऐसी आए फैल के और ऐसी बने,
तो कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करता है, पास में लाता है, तो रेस को फैलाता कौन है? तो रेस को जो फैलाता है वो तो कॉनकेव लेंस होता है। देखो रेस पैरेलल जाती है, ये उसको ऐसे फैला देगा। इसका मतलब आपको रेस फैलानी है सही करने के लिए, तो आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे? कॉनकेव लेंस। बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। आप एक थिन कॉनकेव लेंस पर्टिकुलर डायप्टर का, जो आपकी आई में जितना भी करना है इमेज यहाँ पे करने के लिए कितना डायप्टर पावर यूज़ हो रही है वो आपका आपको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम आई लेंस से पहले क्या यूज़ करेंगे? एक कॉनकेव लेंस यूज़ कर लेंगे, जो इस रेस को फैला के इमेज क्या बना देगा? इमेज आपका रिटर्न बना देगा। ये करेक्शन हो गया। तो देखो मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, ठीक, क्या होता है? ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल की इलोंगेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो कॉज समझ में आ गया मायोपिया का? व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया? द कॉज ऑफ मायोपिया इज दैट टू इलोंगेट द आईबॉल, आईबॉल का बढ़ जाना, लार्ज हो जाना, ठीक है, पीछे की तरफ। हाउ टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया को करेक्ट करने के लिए वी यूज कॉनकेव लेंस। क्या यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस ऑफ पर्टिकुलर डायप्टर, किसी पर्टिकुलर डायप्टर, कोई भी पर्टिकुलर पावर का कॉनकेव लेंस आप यूज करोगे। कॉनकेव कर लेना उसको, ना कॉनकेव लेंस, क्लियर? ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए पढ़ लो इसको एक बार। अ फॉर्म ऑफ रेप्टिक वेयर इन विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द आई आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बनाती है विद अकोमोडेशन बींग एट रेस्ट, ठीक, अकोमोडेशन बींग एट रेस्ट मतलब अकोमोडेशन कहाँ पर? अभी वहीं पर है, रेस्ट में ही है, बीच में रुका हुआ है, ठीक है, मतलब प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर पा रही। अकोमोडेट कहाँ होना चाहिए था? रेटिना पे हो रहा था, मतलब उसकी अकोमोडेशन पावर क्या हो गई है? थोड़ी सी कम हो गई। तो उसकी अकोमोडेशन पावर अपन आई की तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? अपन लेंस यूज़ कर लेंगे, डायरेक्टली कहाँ बन जाएगा? वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो मायोपिया क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके टाइप्स के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो इटियोलॉजिकल टाइप अगर अपन देखते हैं इसके, मायोपिया, ये सब मायोपिया का चल रहा है, ठीक है ना। सो इटियोलॉजिकल टाइप्स में अपन देखेंगे सबसे पहले एक्सियल इंक्रीज्ड, एक्सियल इंक्रीज्ड मतलब मैंने बताया था ना आपको आईबॉल का बढ़ जाना, लेंथ ऑफ द आईबॉल, अभी बताया मैंने आपको कि आईबॉल इलोंगेट हो गई है, बढ़ गई, एक्सियल इंक्रीज बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एक्सियल इंक्रीज मतलब आपकी जो आईबॉल थी, सॉरी गलत बना दिया मैंने, आपकी जो आईबॉल थी वो बढ़ गई है पीछे, ये एक्सियल इंक्रीजमेंट हो गया, यहाँ तक थी, यहाँ से थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सियल इंक्रीज, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एपी लेंथ ऑफ आईबॉल, है ना, एक्सियल लेंथ। चलिए तो इस वजह से होती है प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम मायोपिया की जो होती है वो किस वजह से होती है? तो आईबॉल के बढ़ जाने से, है ना, उसके अलावा भी और कोई होता है क्या? यस, और भी बहुत सारे होते हैं, तो अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है अपने पास में कर्वेचरल इंक्रीज्ड, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस और बोथ। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो कॉर्निया उसका कर्वेचर बढ़ गया है, कर्वेचर मतलब स्फेरिकल जो पार्ट था हमारा, जो आई का आईबॉल जो था वो कैसा था? इस टाइप से है अपनी आई, है ना, वो इस टाइप से है, तो वो पूरी तरह से कर्वेचर जो है ना वो बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब इसका कर्वेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ऐसा हो गया और स्फेरिकल हो गया, ठीक है। कर्वेचरल इंक्रीजमेंट की वजह से, चाहे वो कॉर्निया का हो चाहे वो लेंस का हो, दोनों के इंक्रीमेंट की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। यार दोनों के इंक्रीमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम क्यों आती है? देखो सुनो, सिंपल सी बात है कि अगर आई बॉल बढ़ रहा है, देखो ध्यान से देख के समझते हैं ना, आई बॉल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि इमेज जो है वो ऐसा बन रहा होगा, है ना। तो ये तो समझ में आता है कि इमेज पहले बन रहा है क्योंकि आई बॉल बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे था आई, अगर यहाँ तक होता तो यहाँ पे बनता, वो तो बढ़ गया है तो बढ़ने से वहाँ बन गया, तो समझ में आया। लेकिन इसके बढ़ने से ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने एक लेंस यूज़ किया, थिन लेंस, कर्वेचर का मैं ध्यान से देखना, और एक लेंस यूज़ किया थिक लेंस, इसका कर्वेचर कम है इसका कर्वेचर ज़्यादा है। देख दोनों पे रे डाल रहा हूँ, एक रे इधर से आई एक रे इधर से आई, ठीक। तो ये रेज थीन है इसलिए बहुत दूर जाके क्या करेगा? मीटिंग करेगा, यहाँ पर मीटिंग कर रही, जबकि ये रेज बहुत पास, ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा है तो इसकी पावर ज़्यादा है, मतलब कर्वेचर ज़्यादा मतलब उसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है। तो इधर देखो फोकल लेंथ पावर जो होती है वो 1/f होती है, इसका मतलब ये हो रहा है कि फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, ये हाई पावर है और इसकी पावर कैसी है? लो है।
मतलब ये कम कन्वर्ज करेगा, इसलिए देखो दूर तक कन्वर्ज हो रहा है, या हाई कन्वर्ज मतलब बहुत पहले ही मोड़ देगा, बहुत ज़्यादा मोड़ देगा, तो देखो बहुत ज़्यादा मोड़ दिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका आई बोल्ट वो का वही रहे, आपका आई बोल्ट वो का वही रहे। मैं एक बार आँख बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इस टाइप से, आपका आई बोल्ट वो का वही है ठीक, लेकिन ये कर्व शेप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ऐसा कर्व ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। उस वजह से क्या होगा कि जो रेज आ रही है वो ज़्यादा प्रेशरली ना ज़्यादा कन्वर्ज होगी, ज़्यादा कन्वर्ज होगी तो क्या करेगी, पहले इमेज बना देगी। तो देखो दो प्रॉब्लम आपके सामने समझ में आई है, एक तो आई बोल के बढ़ने से भी मायोपिया होता है, और एक लेंस का कर्वेचर जो है या फिर कॉर्निया का जो कर्वेचर है उसके बढ़ने से भी मायोपिया होता है। तो दो प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई है कि मायोपिया जो होता है वो कितने टाइप से होता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो आई बोल के बढ़ जाने से होगा या फिर कॉर्निया या लेंस के कर्वेचर के बढ़ जाने से होगा। तीसरा देखते हैं, इंडेक्स इंक्रीज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विथ न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस का मतलब होता है आपका जो लेंस है ठीक है, जो लेंस आप आई लेंस जो है आपका ठीक है, ये आई लेंस की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है, जो आई लेंस है उसमें एक लिक्विड होता है आपने देखा होगा ठीक है ना, लिक्विड यूज़ होता है, एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया और यहाँ पे जो थिन फिल्म यहाँ का लिक्विड अलग होता है, मैंने बताया स्टार्टिंग दो दो लेक्चर पहले अगर आप पढ़ोगे इसका पार्ट वन जो है उसमें सब बता रखा है। तो एक कॉर्निया वाला पार्ट, कॉर्निया के वहाँ पे लिक्विड लेयर अलग होती है, फिर आई बोल होता है, आई बोल के अंदर सॉरी आई बोल ये पूरा होता है, फिर लेंस होता है, लेंस के वहाँ पे लिक्विड होता है वो अलग होता है, और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा ठीक है, दोनों का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है अलग अलग होता है। तो उस लिक्विड की वजह से, जो लिक्विड होता है उस लिक्विड की वजह से जिसको अपन न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से और रिफ्रैक्शन की जो एरर आती है, रिफ्रैक्शन की एरर मतलब मान लेते हैं, सोचो दो मिनट के लिए कि मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इधर एयर है ध्यान से देखना, और इधर क्या वाटर है। तो आप समझो एयर एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है, मैं मान लेता हूँ कि ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, तो अगर यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो जब एयर से वाटर में जाती है तो क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, मतलब रिफ्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है, किसकी, सेकेंड मीडियम की पावर ज़्यादा है इसलिए बैंड हो गई है। लेकिन अगर लाइट रे वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, मतलब पावर क्या है कम, बेंडिंग, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है वो, और लेंस का जो मटेरियल है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग होने से अगर मान लो किसी का कम किसी का ज़्यादा है, परफेक्ट इमेज बनाने के लिए मैं एक आई को लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी है ना, ये मान लेते हैं और ये आपका लेंस है ठीक है, और यहाँ पे यहाँ का लिक्विड कुछ और है, ये वाला लिक्विड और इस वाले का जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अभी परफेक्ट है तो इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रॉपर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना, कम या ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका है, तो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट गई फर्स्ट वाले से लाइट जाएगी, और सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, मतलब कॉर्निया वाले का कम हो गया और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का वो ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा कन्वर्ट्स कर देगी, तो लाइट को ज़्यादा कन्वर्ट्स कर दिया, ज़्यादा कन्वर्ट्स कर दिया तो कहाँ इमेज बना दिया, उसने पहले इमेज बना दिया, यहाँ पे इमेज बना दिया। तो समझ में आ रहा है आपको, तो तीन चीज़ पता चली है, एक आई बोल के बढ़ जाने से, दूसरी किसकी वजह से, आपका जो आई बोल का जो रेटिना वाला सॉरी कॉर्निया वाला जो कर्वेचर है या लेंस का जो कर्वेचर है उसके बढ़ जाने से, तीसरी क्या है, तो हमारा जो लेंस है उसके अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। अगर हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो भी पहले इमेज बन जाएगा। तो तीसरी प्रॉब्लम पता चली है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, ठीक है, तीन चीज़ पता चली है। चौथी, किस वजह से मायोपिया होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, मायोपिया एंड इट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ठीक है ना। चौथा जो प्रॉब्लम होता है मायोपिया किस वजह से होता है, वो ये होता है कि पोजिशनल एंटेरियर प्लेसमेंट ऑफ लेंस, है ना, पोजिशनल एंटेरियर प्लेसमेंट ऑफ लेंस मतलब यानी कि
आपको लग रहा है कि आपका जो आई है वो तो परफेक्ट है, लेकिन उसका जो लेंस है उसकी पोजीशन थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड हो गई है, थोड़ी सी आगे या पीछे हो गई। तो ध्यान से सुनो, लेंस की पोजीशन आगे पीछे होने से क्या प्रॉब्लम होती है? तो ध्यान से देखते हैं कि हमारी ये आई है, ठीक है, और ये पोजीशन लेंस की यहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ के बजाय आपका लेंस थोड़ा सा शिफ्ट अंदर की तरफ हो गया है, कहीं और हो गया है। तो सोचिए कि जब यहाँ पे हो रहा था तो इमेज का बना रहा था, यहाँ पे बना रहा था, तो जायज़ बात है कि अब जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इमेज का बनाएगा, इमेज कहीं और बनाएगा। इसी वजह से भी क्या होता है, पहले इमेज बन रही है। तो ये सारे केसेस, इन सभी में क्या हो रहा है, रेटिना से पहले इमेज बन रहा है, रेटिना से पहले इमेज मतलब मायोपिया, सिंपल सी बात है। सो ड्यू टू पोजिशनल प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, लेंस के खिसक जाने से भी आँख के अंदर, लेंस के बहुत सारे देखा होगा आपने, देखा होगा किसी की आँखें बहुत अंदर डीप होती है, किसी की आँखें बाहर निकली हुई होती है ना। तो ये क्या होता है कि प्लेसमेंट होता है लेंस का, लेंस कहाँ पर है, प्रॉपर जगह सेट है या कि नहीं है। तो लेंस के आगे या पीछे हो जाने से भी जो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बन जाए अगर, तो वो प्रॉब्लम कौन सी हो जाएगी, मायोपिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको चौथा प्रॉब्लम पता चला कि चौथी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मायोपिया होता है। पांचवी और आखिरी वजह है मायोपिया होने की, वो क्या होती है कि मायोपिया ड्यू टू एक्सेसिव एकोमोडेशन। एक्सेसिव एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि एकोमोडेशन क्या होता है, हमारे आँख की वह एबिलिटी जिससे वह कोई सा भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो उसका इमेज क्या बनाता है, उसका इमेज रेटिना पर बनाता है। एकोमोडेशन पावर, लेंस के कंप्रेस करने की पावर। तो ध्यान से सुनना, लेंस के पास में सिलियरी मसल्स होती है, आप सभी को पता है ना, एनाटोमी अगर देखते हो आप आई की, तो क्या होता है कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी आँख क्या होती है, रिलैक्स मोड में होती है। आप जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपका आँख पर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी पेन नहीं होता है। लेकिन ध्यान से देखना, बोले आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, जैसे जैसे आप, जैसे आपके हाथ को ही आप देखो, थोड़ा दूर से देखो तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसे जैसे आप हाथ को पास में ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बिल्कुल आँखों के नज़दीक जैसे जैसे लाओगे, बिल्कुल नाक के टच कर दो हाथ को, वैसे क्या होगा कि आपको आँखों में स्ट्रेस आएगा, आपको थोड़ा सा आंसू आ जाएंगे या तो फिर ऐसा कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आई पैनिक हो गई है। पैनिक कैसे हो गई है? क्योंकि हमें पता है इमेज का बनता रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, दूर हाथ है तो रेटिना पे क्लियर इमेज बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप पास में ले जा रहे हो लेंस के, मतलब आपका जो आई बॉल है ना, जो लेंस है, आई लेंस जो है आपका, उस लेंस का एक फोकस पॉइंट है पर्टिकुलर, कितने सेंटीमीटर का है, तो आपने देखा है कि उसका जो कर्वेचर है वो 24 से 25 मिलीमीटर का है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपका जो हाथ है वो आँख और हाथ के बीच में 2.5 सेंटीमीटर से भी कम ले आए आप, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो सोचो, लेंस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ बनाएगा, ऐसा इमेज तो कहाँ बनता है, लेंस के इस साइड में बनता है और बड़ा बनता है, इसलिए आपको थोड़ा सा हाथ बड़ा भी दिखेगा, ठीक। साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी आई जो है उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, लेंस डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ पर आई मैक्सिमम टेंशन में होती है, उससे भी आप कम ले जा रहे हो तो आपकी आई क्या हो रही, ब्लर इमेज बनाएगी आपको। देखो हाथ का, जब आप आँख के बिल्कुल टच कर दोगे हाथ को तो आपको इमेज क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर इमेज दिखेगा, ब्लर इमेज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ब्लर इमेज, क्यों? क्योंकि अकोमोडेशन पावर जो होती है आपकी आई की, वो क्या है, इतना क्लियर विजन नहीं बना रही है। हमारी अकोमोडेशन कुछ पर्टिकुलर लेवल तक सीमित रहती है, उतनी अकोमोडेशन है ही नहीं अपनी आई की कि वो उसके अंदर के इमेज को क्लियर बना सके। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अकोमोडेशन पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कंप्रेस करने की एबिलिटी जो है वो और ज़्यादा हो गई है। तो क्या हर रेज को कंप्रेस करेगा, हर रे को कंप्रेस कर रहा है तो भी क्या होता है, वो इमेज आगे बनाएगा, क्योंकि कंप्रेस करने की पावर ज़्यादा हो गई, मतलब वो कन्वर्ट करने की पावर ज़्यादा हो गई, रेज को पास पास में लाने की पावर ज़्यादा हो गई, तो पहले इमेज बना देगा। तो कितने तरीके, 5 तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। पहली, आई बॉल के बढ़ जाने से। दूसरी, कॉर्निया या लेंस का कर्वेचर, स्फेरिकल कर्वेचर के बढ़ जाने से होता है ना, ज़्यादा स्फेरिकल हो जाता है, ज़्यादा मोटा लेंस हो जाता है अपने आप उस वजह से। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, जो लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है, अगर उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है या ज़्यादा हो जाए तो भी मायोपिया हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम, लेंस के शिफ्ट हो जाने से, लेंस का प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो गया, उस वजह से मायोपिया होता है। पाँचवीं प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे आँख की जो अकोमोडेशन पावर है वो ज़्यादा हो गई है, कन्वर्ट करने की एबिलिटी और ज़्यादा हो गई है, उस वजह से भी क्या होता है, मायोपिया हो जाता है। तो 5 प्रॉब्लम है, आपको समझनी है कि क्या टाइप होते हैं मायोपिया के, मायोपिया के 5 टाइप होते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट, अब इसको समझते हैं, ठीक है ना, ये कौन से टाइप थे,
इटियोलॉजिकल टाइप से, किस किस वजह से, इटियोलॉजिकल टाइप का मतलब कौन कौन सी वजह से मायोपिया होता है उसको बोलते हैं इटियोलॉजिकल टाइप्स। ऐसे मतलब क्या क्या रीज़न है, कैसी कैसी प्रॉब्लम, या बोल सकते हैं आप चाहो कि हाउ मायोपिया फॉर्म्ड, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मायोपिया, मायोपिया क्यों होता है, क्या कारण होता है मायोपिया का, ये सब में आप इन पांचों पॉइंट्स को लिखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मायोपिया, है ना। क्लिनिकल टाइप्स अगर अपन देखते हैं तो मायोपिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मायोपिया जो होते हैं वो एक तो कॉन्जेनिटिकल होता है, दूसरा सिंपल या डेवलपमेंटल बोल सकते हैं, है ना। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, डिजेनरेटिव या फिर पैथोलॉजिकल, और चौथा कौन सा होता है, एक्वायर्ड होता है। अब इनको अलग अलग समझते हैं अपन, है ना। कॉन्जेनिटिकल मायोपिया की अगर अपन बात करते हैं तो ये कैसे होता है, कुछ बर्थ से, बर्थ जब होता है बच्चे का उस टाइम से भी रहता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखो, कॉमन इन प्रेमेच्योर बेबीज और विद बर्थ डिफेक्ट्स, बहुत सारों को मतलब पैदाइशी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रीमेच्योर बेबीज़ के अंदर भी ये दिक्कत आती है, या फिर जब बर्थ हुआ है वहीं से उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को अपन बोलते हैं कॉन्जेनिटिकल मायोपिया, है ना। क्या होता है वहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि स्टेशनरी 8 to 10 डायोप्टर, मतलब उसका आई बॉल होता है, आई लेंस जो होता है सॉरी, उसकी जो पावर होती है वो 8 से 10 डायोप्टर की होती है। और मैंने बताया था कि स्वस्थ आई के लिए जो पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, लेंस की 18 डायोप्टर होनी चाहिए, 18 डायोप्टर होनी चाहिए, ये 8 से 10 के बीच में बता रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन एक्सियल लेंथ, मतलब आई बॉल ऑलरेडी उसका बड़ा हुआ रहता है बच्चे का, ठीक है। दूसरा बता रहा है कि इसोट्रोपिया, है ना। तीसरा, अदर कॉन्जेनिटिकल एनोमलाइज ऑफ आई, है ना। और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स, जैसे मैंने 5 डिफेक्ट बताया है ना, उसमें से ऐसे भी छोटे छोटे और भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अर्ली एंड फुल करेक्शन अंडर साइक्लोप्लेजिया, पुअर प्रोग्नोसिस इन यूनिलेटरल केसेस विथ सर्वर मायोपिया एंड एनिसोमेट्रोपिया। ये प्रॉब्लम्स किस में बताइए, कॉन्जेनिटिकल मायोपिया के अंदर बताई गई है, ठीक है। मतलब आपको इसको सिंपली वे में अगर मैं समझाऊँ तो सबसे मेन कहाँ से होता है, बर्थ प्लेस, जो बर्थ प्लेस क्या कहूँ मैं इसको, जो बर्थ पैदाइशी होते हैं उसकी जो प्रॉब्लम होती है, बर्थ से जो प्रॉब्लम होती है कि जब उसका वो जन्म हुआ है वहीं उसी टाइम पर उसका जो आई बॉल है वो क्या एलोंगेटेड है, ठीक है ना, या फिर उसका जो लेंस है उसका ऑलरेडी जो पावर है वो कितना है, कम है, ठीक है। इस वजह से जो प्रॉब्लम है उसको कॉन्जेनिटिकल मायोपिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास में सिंपल मायोपिया के बारे में बात करें, सिंपल मायोपिया क्या होता है ना। सो फिजियोलॉजिकल या फिर स्कूल मायोपिया भी बोलते हैं इसको, बच्चे की जो एज होती है, स्कूल टाइम की जो एज होती है वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स उसको आती है देखने में, ठीक, उसको अपन बोलते हैं सिंपल मायोपिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, कॉमननेस टाइप की अगर है, और उसके अलावा रिजल्ट ड्यू टू दी नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशंस इन डेवलपमेंट ऑफ आई, जैसे जैसे उसकी एज होती है आई बॉल का जो डेवलपमेंट होता है उसके जो वेरिएशंस होते हैं वो होते हैं, है ना, उस तरीके से, लेकिन वो प्रॉपर अगर नहीं हो पा रहे तो जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी होती है, मायोपिया होती है ना। एज ऑफ ऑनसेट की बात कर रहा है, 7 to 10 ईयर्स में जो प्रॉब्लम रहती है उसको बोलते हैं सिंपल मायोपिया। अगर इस एज के बच्चे में अगर आई में कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसका जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रहा है तो अपन उसको किस में कंसिडर करेंगे, सिंपल मायोपिया में कंसिडर करेंगे। मोटर सेवेरिटी कितनी होती है इसकी, -5 डायोप्टर, है ना, लेस देन फाइव डायोप्टर तक की जो प्रॉब्लम होती है ना वो कौन सी होती है, सिंपल मायोपिया के अंदर आती है। एंड इट नेवर एक्सीड्स 8 डायोप्टर, वो 8 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। और नो डिजेनरेटिव चेंजेस, इसके अंदर कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होते हैं, कोई भी जनरेटिव टाइप चेंजेस जो होते हैं, जनरेशन टाइप जो चेंजेस होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होते, इसको सिंपल मायोपिया कहते हैं अपन, ठीक है। अब डिजेनरेटिव मायोपिया की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, है ना, जो एज के साथ ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक, वैसे ही उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको डिजेनरेटिव मायोपिया बोलते हैं, एज के साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। अब ये क्या होता है, रिलेटेड टू हेरिडिटी, मतलब मान लेते हैं कि परिवार के अंदर पहले से ऑलरेडी किसी को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो चाइल्ड के अंदर भी वो चीज़ डेवलप हो जाए, है ना, जनरल ग्रोथ प्रोसेस जो भी होती है ना उसके। तो हेरिडिटी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है
जिसमें अगर परिवार में किसी को नहीं दिखता है ना, और वही डेवलपमेंट किसके अंदर हो गया है, चाइल्ड के अंदर हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम में जो मायोपिया आएगा जिसमें इमेज रेटिना से पहले बनेगा, तो उसको अपन डिजेनरेटिव मायोपिया कहेंगे। जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द जनरल ग्रोथ प्रोसेस, आई की जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको डिजेनरेटिव मायोपिया कहेंगे। एज ऑफ ऑनसेट अर्ली एडल्ट लाइफ है ना, वो मैच्योर हो उससे पहले ही उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक, तो वो उसको किस में काउंट करेंगे, डिजेनरेटिव मायोपिया में करेंगे, ठीक है। और सर्वर की अगर बात करें तो ये क्या होती है, ग्रेटर देन 6 डायोप्टर। पुरानी वाली की अगर मैं देखूँ सिंपल मायोपिया, ये क्या होता है, लेस देन 5 डायोप्टर, वो ये ग्रेटर देन 6 डायोप्टर। अगर कोई इतनी पावर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपन उसको बोलेंगे डिजेनरेटिव मायोपिया है। अब पैथोलॉजिकल अगर अपन बात करते हैं, पैथोलॉजिकल जो मायोपिया होता है ना, तो पैथो फिजियोलॉजी इसको पढ़ेंगे ना, पैथो फिजियोलॉजी मायोपिया। पैथो फिजियोलॉजी मायोपिया क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखे जेनेटिक फैक्टर बता रहा है, ठीक है ना। जेनेटिक फैक्टर मतलब ग्रोथ वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से किस में आया है, चाइल्ड में आया है, ठीक है। इसमें क्या हो गया है कि अगर पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, रेटिना की जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है। तो उस वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सी होती है, पैथो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, पैथो फिजियोलॉजिकल मायोपिया। इसमें स्ट्रेचिंग ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा जो होता है आई का, वो स्ट्रेच्ड हो गया, बढ़ गया है, उस वजह से प्रॉब्लम, इंक्रीज्ड ऑफ एक्सियल लेंथ भी आ गई है, आईबॉल का बढ़ जाना, ठीक है। डिजनरेशन ऑफ कोरोइड, कोरोइड का डिजनरेशन हो गया, डिजनरेशन का मतलब वो ज़्यादा फैल गया है या कम हो गया है, ठीक है। कोरोइड जो आसपास का जो लेयर होता है आई का, है ना, वो वाला। डिजनरेशन ऑफ रेटिना, रेटिना में प्रॉब्लम आ गई है ना, रेटिना बढ़ गया है, कम हो गया है, ठीक है। डिजनरेशन ऑफ विट्रियस, विट्रियस लिक्विड जो होता है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सब की वजह से जो फैक्टर्स या जो प्रॉब्लम्स आती है उसको अपन बोलते हैं पैथो फिजियोलॉजी ना मायोपिया, पैथो फिजियोलॉजी मायोपिया। अब ये सब प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, तो जो विजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना, कमज़ोर हो जाता है, ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन तो ये बहुत डीप है वैसे देखा जाए तो, इसके अपन क्लिनिकल फीचर्स देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि भैया मायोपिया की प्रॉब्लम हो चुकी है बंदे के अंदर, या जो आई के है वो प्रॉपर देख नहीं पा रही है, ठीक है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, तो डिस्टेंट ब्लर्ड विजन, दूर की चीज़ें जो होती है उसे दिखना कम हो जाती है, ये सबसे सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब पास का तो दिखता है, उसको दूर का नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, तो हम समझ जाएंगे भैया इसको मायोपिया की प्रॉब्लम है ना। प्लस उसका टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली इसको प्रॉब्लम क्या है, उसको दूर का नहीं दिख रहा है कि पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाफ शटिंग ऑफ आई, नेक्स्ट एस्थेनोपिया सिम्टम्स है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, मुस्की, वोलेंटेस, उसके अलावा डाइवर्जेंट स्क्विंट है ना, स्क्विंट की जो प्रॉब्लम होती है, स्क्विंट की प्रॉब्लम देखना आप, वो जो आई बॉल का एलोंगेशन जो होता है, वो जो आई बॉल क्या जो कॉर्नियल पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको स्क्विंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम कहेंगे कि उसको, ये सिम्टम्स अगर अपने को दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसको मायोपिया है, ठीक है। और क्या क्या साइन हो सकते हैं, प्रोमिनेंट आई बॉल्स, लार्ज कॉर्निया, बाहर से देखने पे समझ में आ जाएगा ना, ये साइन मतलब उसका जो फिजिकल पार्ट जो होता है आई का, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इसको ये प्रॉब्लम है, उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर्सन से कि उसको क्या प्रॉब्लम है। बाहर से आप थोड़ा सा उसको आई को ओपन करके चेक करोगे तो आपको ये फीचर्स दिखेंगे, क्या फीचर्स, प्रोमिनेंट आई बॉल्स, ठीक है। फिर लार्ज कॉर्निया, कॉर्निया का साइज़ थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है ना। एंटेरिया चैम्बर्स इज डीप, ठीक। नेक्स्ट लार्ज एंड स्लजिशली रिएक्टिंग प्यूपिल, उसके बाद फंडस एग्जामिनेशन, चेंजेस सीन ओनली इन पैथोलॉजिकल मायोपिया है ना, इस पैथोलॉजिकल मायोपिया में सबसे ये चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो
मायोपिया अपन पढ़ रहे हैं, ये पैथो फिजियोलॉजिकल है, इसका एक और नाम क्या होगा, पैथोलॉजिकल मायोपिया भी होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका ऑप्टिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है ना, ट्रीटमेंट मैंने बता दिया हाउ टू रिमूव दिस मायोपिया। तो मायोपिया के लिए अपन कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, देखो लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस बना हुआ है ना, दैट इज़ कॉनकेव लेंस, ये लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर हो सकता है कॉनकेव लेंस, अपन चिल्ड्रन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, कॉनकेव लेंस आपने स्पेक्स के अंदर लगा दिया तो काम हो जाएगा। दूसरा है कॉन्टैक्ट लेंस, मतलब जो आपका जो आई लेंस होता है उससे टच्ड होते हैं जो लेंस होता है उसको कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करके भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या क्या हो सकता है, मिनिमम एक्सेप्टेंस प्रोवाइडिंग मिनिमम मैक्सिमम विजन, मतलब कम से कम अपन चीज़ यूज़ करें और अच्छे से अच्छा विजन आपको मिल जाए, ठीक। लो मायोपिया के लिए अपन लेस देन 6 डायप्टर यूज़ करते हैं, अगर लेस देन 6 डायप्टर अगर पावर आई की प्रॉब्लम आ रही है तो अपन बोलेंगे देट इज़ लो मायोपिया। यंग चिल्ड्रन के अंदर जनरली अपन कौन कौन से ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आइसोमेट्रोपिया यूज़ करेंगे अपन लेस देन 2 ईयर्स, अगर 2 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या कितना डायप्टर का लेंस यूज़ करेंगे, तो लेस ग्रेटर आर इक्वल है ना, ग्रेटर आर इक्वल -4 डायप्टर, मतलब कॉनकेव लेंस इसलिए माइनस यूज़ किया है ना, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है माइनस की होती है, इसलिए उसकी पावर क्या होगी नेगेटिव होगी। तो ये मत सोच लेना कि माइनस लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव, नेगेटिव कुछ नहीं होता है, दिस माइनस इज ओनली साइन, ये समझना यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से, कि -4 डायप्टर लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि -4 स्केल पर मतलब इतना छोटा 0 से छोटा हो गया, इट्स नॉट लेस देन 0। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। 4 इंडिकेट कर रहा है कि उसका 1/f का वैल्यू कितना आया, 1/f का वैल्यू कितना आया, 4 आया, ये आपको समझना है। तो कॉनकेव लेंस अगर आप कहीं पर भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको नेगेटिव पावर ही रहेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और पॉजिटिव पावर है मतलब आप वहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपके समझने के लिए लॉजिकली आपसे कोई पूछ लिए कि जैसे कि डायरेक्टली पता चल जाएगा, जैसे कि मान लो कि एक बच्चा बैठा हुआ है क्लास के अंदर या फिर आपकी क्लास में कोई पढ़ रहा है ना, और उससे पूछा तुमने कि भैया तेरे जो स्पेक्स है इसका क्या नंबर है, नंबर बोलते हैं उसको अपन, है ना, अपनी डेली लाइफ के लैंग्वेज में, तो वो बोलेगा कि यार -4 उसने सके दिया ना, या उसने बोला कि -0.3 या -0.1 कुछ भी बोल दिया उसने, है ना, और उसने -4 यूज़ किया। तो आप समझ जाना कि भैया इसके अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ है ना, कॉनकेव लेंस लगा हुआ, कॉनकेव लेंस काहे के लिए लगाते हैं अपन, मायोपिया को हटाने के लिए। मतलब आपको उससे पूछने के बाद उसको बिना कुछ आगे पूछे आप ये बता दो कि भैया तुझे दूर का दिखाई नहीं देता है क्या, तो वो बोल देगा हाँ यार मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है। मतलब आपको इस माइनस से पता चल जाएगा कि उसे दूर का दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि वो मायोपिया से प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है। अगर ये प्लस होता है तो हम कहेंगे कि यार उसको कोई और प्रॉब्लम है, मायोपिया नहीं है। वो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है, हाइपरमेट्रोपिया, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, वहाँ पे अपन कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 साल से अगर बड़ा बच्चा है, 2 या 3 साल के बीच का है, लेस देन 2 ईयर्स है तो अपन -4 डायप्टर तक का यूज़ करेंगे, और 2 से 3 ईयर्स का है तो अपन -3 डायप्टर के बीच में जाएंगे, ठीक है ना। एन आइसोमेट्रोपिया की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, उसमें -2.5 डायप्टर के समथिंग लेंस यूज़ किया जाता है। ये ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहा हूँ ना, जब आप काम करोगे ना लैब के अंदर, जहाँ पर भी आई का ऑप्थल्मोलॉजी के अंदर जो भी असिस्टेंट का वर्क आप करोगे, वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इस एज के बीच में इतने इतने डायप्टर की चीज़ें यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट की फुल करेक्शन अंडर साइक्लोप्लेजिया एंड अवॉइड ओवर करेक्शन, ओवर करेक्शन को क्या करना है आपको, हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। ये ऑप्टिकल ट्रीटमेंट भी संभालते हैं। एडल्ट की अगर अपन बात करें तो लेस देन 30 ईयर्स, 30 साल से छोटी उम्र में है ना, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फुल करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और ग्रेटर देन 30 ईयर्स है ना, या लेस देन फुल करेक्शन है ना, विथ विच पेशेंट इज़ कम्फर्टेबली फॉर नियर विजन, ठीक है। तो 30 साल से अगर ज़्यादा उम्र का बंदा है तो उससे लेस देन फुल करेक्शन से थोड़ा सा कम करेक्शन अपन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हाई मायोपिया की अगर अपन बात करते हैं तो हाई मायोपिया जो प्रॉब्लम होती है वो अंडर करेक्शन इज़ डन टू अवॉइड, है ना, जब करेक्शन किया जाता है तो ये चीज़ें अवॉइड की जाती है। कौन कौन सी चीज़ अवॉइड होती है, नियर विजन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और मिनिफिकेशन ऑफ इमेज,
मैग्निफिकेशन में मतलब इमेज का छोटा दिखना खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट लेंसेज आर बेटर टू अवॉइड इमेज मैग्निफिकेशन। अगर इमेज मैग्नीफाइड हो रहा है मतलब आपने वो लगा दिया लेंस लगाया, तो क्या होता है कि जनरली हमें मायोपिया की प्रॉब्लम तो खत्म होगी, लेकिन जो साइज़ है एक्चुअल ऑब्जेक्ट का वो नहीं, हमें और बड़ा इमेज दिख रहा है। मतलब हम कहेंगे कि हमें पहले जो आंखें बहुत अच्छी थी हमारी, तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही थी, उसका पर्टिकुलर साइज़ फिक्स साइज़ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ये लेंस वगैरह यूज़ किए उससे हमें वो चीज़ें बड़ी दिखना शुरू हो गई है। मतलब प्रॉपर नहीं दिख रही, उससे भी जो उसका साइज़ है उससे भी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर लेंगे। तो कॉन्टैक्ट लेंस जब आप यूज़ करते हो चश्मे के हटा के, अगर आप आई वाले लेंस जो होते कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो, तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो हट जाती है ना। मैग्निफिकेशन की जो छोटी दिखने वाली इमेज बड़ी दिखने वाली, ये चीज़ हट जाती है, ठीक है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है इसका, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।